छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के जलाशयों में इन दिनों मेहमान प्रवासी परिंदों के आने का सिलसिला जारी हो गया है। वहीं सरगुजा संभाग के जलाशयों में प्रवासी पक्षियों का दल ठंड के सीजन में अब ठहरने लगा है। आपको बता दें कि सरगुजा संभाग के कोरिया जिले से लेकर सरगुजा के छोटे बड़े बांधों और जलाशयों में इनकी चहलकदमी देखी जा रही है। दरअसल तस्वीर में काफ़ी खूबसूरत दिख रहे ये परिंदे प्रवासी पक्षी रेड क्रेस्टेड पोचार्ड हैं, जो अपना डेरा कोरिया के खैरी डैम में बनाए हुए हैं, जिसमें पक्षी और पर्यावरण प्रेमी डॉक्टर हिमांशु गुप्ता ने कड़ी मशक्कत के बाद पानी में उतरने के बाद अपने कैमरे से इनकी तस्वीरें कैद की है। हाँ, रेड क्रेस्टेड पोचार्ड एक्चुअली एक प्रवासी बदक में आता है। इंडिया में 8 से 10 प्रकार के प्रवासी बदक आते हैं, लेकिन रेड क्रेस्टेड पोचार्ड जो है वो झुंड में आते हैं, और जो मेल होता है, जो इसमें नर होता है, उसका सर जो है पूरा नारंगी होता है, और बिल उसका जो चोंच होती है वो लाल कलर की होती है, और स्तन या फिर जो छाती होता है उसका काला होता है, और फीमेल इतनी कलरफुल नहीं होती है जितनी कि मेल होते हैं। और ये फ़ोटो जो ली थी मैंने, ये कोरिया डिस्ट्रिक्ट है, कोरिया डिस्ट्रिक्ट में पटना ग्राम है, एक पटना गांव है बैकुंठपुर के पास, वहाँ पे खैरी डैम है, तो वहाँ पे अक्सर ये प्रवासी जो बदक होते हैं, रेड क्रेस्टेड पोचार्ड है, ये अक्सर आते हैं। और पिछले साल भी मैं इनको लेने गया था वहाँ पे, और इस साल भी मैं गया तो झुंड उनके आ चुके थे, बस फिर वो फ़ोटो ली मैंने। सरगुजा में आते हैं प्रवासी पक्षी, बहुत आते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से, जैसे मैं खुद 5 साल से प्रवासी पक्षियों या नॉर्मल पक्षियों की मैं फ़ोटो खींच रहा हूँ, तो अभी सरगुजा में कुछ कम है। मतलब मुझे सरगुजा से बाकी क्षेत्रों में जाना पड़ता है, मे भी यहाँ पे शिकार ज़्यादा होता है शायद। पिछले साल भी बत्रा डैम एक सूरजपुर के पास मैंने एक शिकारी को पकड़ा था इन्हीं प्रवासी बतखों को मारते हुए। और घुनगुट्टा डैम है जैसे, लेकिन अब वहाँ पे चूँकि मछली पालन और मछली पकड़ने के लिए जाल वगैरह बिछा रहता है, तो प्रवासी बतख नहीं आते हैं, जहाँ भी उनको डर रहता है तो वहाँ पे वो आते नहीं हैं। तो सरगुजा में जैसे संजय पार्क हो गया, बतख नहीं आते हैं, लेकिन छोटे छोटे जो फ्लाई कैचर्स करके एक प्रजाति होती है चिड़ियों की, जो साइबेरिया और बहुत दूर से आते हैं, हमारे यहाँ यूरोप से आते हैं, वो सब हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं सरगुजा। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।